हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल झारखंड एजुकेशन हब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 23 अगस्त के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। 23 अगस्त से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे इस क्लास की, तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, जिसमें हम लोग झारखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग रोजाना जरूर देखें। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आप लोग आंसर जरूर दें। और लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिविजन भी करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। बात करेंगे इस क्लास के PDF की, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आप सभी लोगों को सभी क्लासेस के PDF मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के आपको अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, झारखंड की वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में वुमेन्स टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी? तो झारखंड के कौन से जिले में वुमेन्स टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। झारखंड के रांची जिले में वुमेन्स टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राज्य के रांची जिले में वुमेन्स टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी और इसकी स्थापना जो है 24 अगस्त को किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखें। इसका शिलान्यास केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा 24 अगस्त को किया जाएगा और झारखंड के रांची जिले में वुमेन्स टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। तो किसकी स्थापना की जाएगी? वुमेन्स टेक्नोलॉजी पार्क, इसकी स्थापना रांची जिले में की जाएगी और इसका शिलान्यास केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी, तो उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। अब इसका निर्माण रांची में किया जाएगा, तो ये है मैप में रांची। अब जानेंगे रांची के बारे में, तो बात करेंगे रांची की। रांची झारखंड की कैपिटल है, यानी झारखंड की राजधानी है। झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? तो ये है मैप में दुमका। दुमका झारखंड की उपराजधानी यानी झारखंड की सब कैपिटल है। रांची की बात करें तो रांची की स्थापना कब की गई थी? रांची की स्थापना 1899 यानी 1899 में किया गया था। रांची में वर्तमान समय में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है? तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, यानी एक राज्य के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है झारखंड के 10 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। आप ये देख सकते हैं, ये झारखंड के टोटल 10 जिले हैं जिनके साथ वेस्ट बंगाल अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, आप इसे जरूर याद रखिए। रांची की बात कर रहे थे, रांची झारखंड के कौन कौन से जिलों के साथ? तो रांची झारखंड के 8 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और रांची झारखंड का सबसे ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यानी ऐसा कौन सा जिला है जो झारखंड के अन्य जिलों के साथ बाउंड्री को सबसे ज्यादा शेयर करता है? तो वो है रांची। रांची झारखंड के 8 जिलों के साथ, ये 8 जिले कौन कौन से हैं? तो ये है रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सरायकेला खरसवा। इन 8 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो झारखंड के सबसे अधिक जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची की बात कर रहे थे तो रांची को झारखंड की शिमला के नाम से भी जाना जाता है। झरनों का शहर यानी सिटी ऑफ फॉल के नाम से भी रांची को जाना जाता है। रांची में कई झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। इनमें से कुछ मेजर झरने हैं, हुंडरू, दसम, जुन्हा, ये रांची के कुछ मेजर झरने हैं। इन्हीं के कारण रांची को झरनों का शहर यानी सिटी ऑफ फॉल के नाम से भी जाना जाता है। रांची की बात कर रहे थे तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या रांची में पाई जाती है। पूरे झारखंड में सबसे अधिक लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर वो भी रांची में पाई जाती है। रांची का टोटल एरिया की बात करें तो 5097 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है।
1899 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो ये साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। डिवीजन की बात करें यानी प्रमंडल की बात करें तो झारखंड में 5 है, और अनुमंडल यानी सब डिवीजन की बात करें तो झारखंड में 45 है। इस 5 प्रमंडल में यानी 5 डिवीजन में रांची जो है साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर भी रांची में ही स्थित है। रांची में BIT मेसरा है, तो इसे आप लोग याद रखें। 572 जो है रांची का पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी जनसंख्या घनत्व है। ये कुछ मेजर लैंग्वेजेस हैं जो रांची में बोली जाती है। रांची में सब डिवीजन की बात कर रहे थे तो पूरे झारखंड में टोटल 45 सब डिवीजन है। और रांची की बात करें तो रांची में 2 है, रांची और बुंदू, रांची के 2 सब डिवीजन है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं रांची में टोटल 18 ब्लॉक है, और ये रांची के आप 18 ब्लॉक को देख सकते हैं, और ये इसके 18 ब्लॉक के पोजिशन को आप लोग देख सकते हैं। बात करेंगे रांची की तो रांची वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, यानी एक राज्य के साथ। और रांची का सिल्ली जिला और सॉरी सिल्ली ब्लॉक और सोनाहातू ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक है जो वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग याद रखें। रांची के 2 ब्लॉक वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, कौन कौन से हैं, सिल्ली और सोनाहातू, तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। चलिए इसी के साथ में चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित द्वितीय सब जूनियर राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड को कितने पदक मिले हैं। तो इसकी बात करें इसमें झारखंड को टोटल 13 पदक मिले हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 13। उत्तराखंड में आयोजित किया गया था द्वितीय सेकंड यानी सेकंड सब जूनियर राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता, इसमें झारखंड को टोटल 13 पदक मिले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड में 19 से लेकर 21 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था, किसका, द्वितीय सब जूनियर राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता। इसमें झारखंड के पहलवानों को 13 पदक मिले हैं, और जिनमें से 2 जो है गोल्ड मेडल है, 5 जो है सिल्वर मेडल है, और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक है। तो 2 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य से झारखंड को टोटल 13 पदक जो है मिले हैं। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया था। उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड के कैपिटल की बात करें तो देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। मैप में कहाँ पे है देहरादून, तो ये आप मैप में देख सकते हैं, देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है चाइना के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ये चाइना के साथ यानी एक देश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और नेपाल के साथ भी ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, 2 देशों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, यानी उत्तराखंड जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। आप लोग इसे याद रखें, उत्तराखंड 2 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, पहला जो है नेपाल और दूसरा जो है चाइना। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, किसके किसके साथ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल 3 राज्यों के साथ और 2 देशों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ पे सभी डिटेल्स दी हुई है, जैसे यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के CM यानी चीफ मिनिस्टर है यानी मुख्यमंत्री है, और देहरादून जो है इसकी कैपिटल है, देहरादून कैपिटल है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, देहरादून जो है विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल अलग है, तो दोनों को आप लोग जरूर याद रखें, ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी, तो 9 नवंबर 2000 में। झारखंड की स्थापना की गई थी तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी, और उसी महीने में उसी साल में उत्तराखंड की स्थापना भी की गई थी। तो आप लोग झारखंड के निर्माण में देखे होंगे, 3 राज्यों का निर्माण नवंबर 2000 में किया गया था, उनमें से एक है उत्तराखंड और दूसरा है झारखंड, तो दोनों को आप लोग जरूर याद रखें। राज्य के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन की तरह डेवलप किया जाएगा यानी विकसित किया जाएगा। झारखंड के कौन से रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन की तरह डेवलप किया जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटानगर। टाटानगर रेलवे स्टेशन को अब इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन की तरह डेवलप किया जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटानगर रेलवे स्टेशन। टाटानगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये जमशेदपुर में है, कहाँ पे, जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन
और इसको भी इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन की तरह डेवलप किया जाएगा, इसे आप जरूर याद रखें। हाल ही में टाटा नगर रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल स्टेशन की तरह विकसित किया जाएगा, यानी डेवलप किया जाएगा। यात्रियों के लिए इंटरनेशनल स्टेशन जैसे सुविधाएं जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। तो टाटा नगर रेलवे स्टेशन की बात कर रहे थे, ये है टाटा नगर रेलवे स्टेशन। अब इसकी हम लोग बात करते हैं तो पूरे झारखंड में ये ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ई स्कूटी की सेवा जो है शुरू किया गया था। हम लोग देखे थे ई स्कूटी की सेवा जो है टाटा नगर रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया था। तो पूरे झारखंड का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ई स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी की सेवा जो है शुरू की गई थी। यहाँ पे रेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटी को दिया जाता है, आप उसके यूज कर सकते हैं। तो ई स्कूटी की सेवा टाटा नगर रेलवे स्टेशन से ही शुरू की गई थी और वर्तमान में भी ये पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पे इस सेवा को चलाया जा रहा है। और टाटा नगर रेलवे स्टेशन को अब इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन की तरह डेवलप किया जाएगा, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। ये कहाँ पे है, तो ये जमशेदपुर में है और कुछ इस तरीके से इसको अब डेवलप किया जाएगा, यानी इसको विकसित किया जाएगा। तो टाटा नगर रेलवे स्टेशन को कुछ इस तरीके से विकसित किया जाएगा। ये एक रेलवे स्टेशन है और ये एक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन है। इसी तरह टाटा नगर रेलवे स्टेशन को डेवलप जो है किया जाएगा। ये कहाँ पे है, ये जमशेदपुर में है और जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कब सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन जो है किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 अगस्त। 22 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 अगस्त। 22 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये देख सकते हैं इसका उद्घाटन किया गया है। तो 22 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड आयुष प्रक्षेत्र के संविदा आधारित चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन जो है किया गया है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में इसका आयोजन किया गया था, वहां पे इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो यह है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये कौन से पार्टी के हैं, तो ये जो है जेएमएम के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। किसके है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, आप ये देख सकते हैं। और ये झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने थे। झारखंड में अब तक कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है, तो झारखंड में अब तक 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो झारखंड निर्माण के साथी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो बने थे वो थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे और इनका कार्यकाल जो है नवंबर 15 यानी 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक का था। और ये कौन से पार्टी के थे, तो ये बीजेपी के थे, इसे आप लोग याद रखिए। पार्टियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा और इनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक का था और ये भी बीजेपी के ही थे। उसके बाद झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जो है जेएमएम के वर्तमान अध्यक्ष हैं और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। इनका कार्यकाल 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक का रहा है और ये जेएमएम के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही थे। उसके बाद फिर से अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं और झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री। झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री की बात करें तो मधु कोड़ा और झारखंड के पहले निर्दलीय मंत्री यानी ये किसी पार्टी के नहीं थे, तो वो भी होंगे मधु कोड़ा। इनका कार्यकाल 14 सितंबर से 2006 से लेकर 23 अगस्त 2008 तक का रहा है और ये निर्दलीय थे, तो इसे आप लोग याद रखें। झारखंड के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो निर्दलीय पार्टी के हैं, तो वो होंगे मधु कोड़ा। उसके बाद शिबू सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने हैं और झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कब हुआ था, तो 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा और झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो झारखंड में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। दूसरी बार कब हुआ है, तो 18 जनवरी 2013 से लेकर।
कब? 18 जनवरी, सॉरी ये जो है 1 जनवरी, 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक हुआ है, और तीसरी बार जो है ये तीसरी बार होगा, ये दूसरी बार होगा। तो तीसरी बार जो है 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक झारखंड में 3 बार हुआ है। कब कब? 2009 में हुआ है, 2010 में हुआ है और 2013 में हुआ है। 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। उसके बाद झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने, कौन बने? हेमंत सोरेन। और उसके बाद झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री बने रघुवर दास, और झारखंड के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन। तो झारखंड में अब तक टोटल 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पश्चिमी सिंहभूम में आयोजित सीनियर स्टेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता में किस जिले की टीम जो है विजेता बनी है? तो इसमें रांची जिले की टीम जो है विजेता बनी है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम में इसका आयोजन किया गया था, सीनियर स्टेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता। इसमें रांची की टीम जो है विजेता बन गई है, और 20 और 21 अगस्त को इसका क्या गया था? तो इसका आयोजन किया गया था, इसका आयोजन वेस्ट सिंहभूम में किया गया था। रांची की टीम इसमें विजेता बनी है, तो यह है पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम। इसके स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 16 जनवरी, 16 जनवरी 1990 में किया गया था। 16 जनवरी 1990 में झारखंड के 2 जिलों की स्थापना की गई थी। पहला है वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम, और दूसरा है ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों जिले की स्थापना जो है 16 जनवरी 1990 में किया गया था। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो ये उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के किन किन जिलों के साथ? तो झारखंड के 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, सरायकेला खरसावा, ऊटी और सिमडेगा। 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके टोटल एरिया की बात करें 7,224 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है, और ये पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1990 में किया गया था। ये कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा में स्थित है। चाईबासा जो है पश्चिमी सिंहभूम में ही है। इसके टोटल एरिया की बात करें तो 7,224 है। इसका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 210 है। 59.54% यहाँ का लिटरेसी रेट है, और 1,001 यहाँ का क्या है? सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात है। अगर हम लोग इसके ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे टोटल 18 ब्लॉक है। डिवीजन की बात करें तो ये कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है, और सब डिवीजन की बात करें तो 3 सब डिवीजन है। कौन कौन से? सदर चाईबासा, पोराहाट, चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर। ये इसके 3 सब डिवीजन है यानी 3 अनुमंडल है, और ये तीन सब डिवीजन में 18 ब्लॉक को डिवाइड किया गया, तो आप इन्हें देख सकते हैं। ये इसके टोटल 18 ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर लें। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस माइनिंग कंपनी को कोल मिनिस्टर्स अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में सीसीएल को कोल मिनिस्टर्स अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीसीएल। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी आईएसएम के कितने छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर यानी पीपीओ दिया गया है? तो पीपीओ की बात करें, आईआईटी आईएसएम के कितने छात्रों को पीपीओ दिया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें, और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का हम लोग रिविजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग में IIT ISM को इंजीनियरिंग संस्थानों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इंजीनियरिंग संस्थानों में NIRF रैंकिंग में IIT ISM को 14वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14। हाल ही में किस राज्य के फिल्म फेस्टिवल के लिए झारखंड के खदान और मजदूरों पर बनी डॉक्यूमेंट्री रेड ट्रैप का चयन किया गया है? तो झारखंड के खदान और मजदूरों पर बनी गई एक डॉक्यूमेंट्री रेड ट्रैप का चयन हिमाचल प्रदेश के फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप की इनामी राशि को कितना कर दिया गया है? तो इसकी इनामी राशि को 3 करोड़ कर दिया गया है, और गोल्फ के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनामी राशि है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस जिले में ईस्ट जोन क्लाइंबिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है? तो ईस्ट जोन क्लाइंबिंग प्रतियोगिता की शुरुआत ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में की गई है, और पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर शहर में इसकी स्थापना की गई है यानी इसकी शुरुआत की गई है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित
इंटर क्लस्टर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में रांची आर्मी स्कूल को कौन सा स्थान मिला है? तो रांची आर्मी स्कूल को इसमें पहला स्थान दिया गया, ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।